गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई का मामला आज विधानसभा में गूंजा। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी 44 विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर की कार्रवाई के बाद भी विधायक विधानसभा में नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए मार्शल की मदद लेनी पड़ी। सभी कांग्रेस विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया। हालांकि शंकर सिंह वाघेला और मोहन सिंह राठवा को इस कार्रवाई से दूर रखा गया। आपको बता दें कि GST संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन GST बिल पास होने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने दलितों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया और जांच कराने की मांग पर अड़ गए। इतना ही नहीं, विधानसभा से बाहर किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक और पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। गुजरात के ऊना में हुए दलित उत्पीड़न कांड के बाद से ही इस मुद्दे पर सियासत जारी है और आज जो कुछ हुआ उसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। ऐसे में सरकार अब विपक्ष के इन तीरों से निपटने के लिए क्या रणनीति तैयार करती है, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।